Hello dear students, this is my 30th video and in my last video I have taught you the types of taxes and this time we are going to discuss direct and indirect taxes. So direct taxes is a kind of tax which is really paid by the person on whom it is legally imposed. प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है. यह कर उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है. इस प्रणाली में करदाता या कर देता जो होते हैं वो कर का भार दोनों ही व्यक्ति पर होता है. जैसे आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है तथा वह स्वयं ही इस कर का भार उठाता है, इस कर का भार दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता है. तो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इनकम टैक्स दैट इज़ आयकर, उपहार कर दैट इज़ गिफ्ट टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, संपत्ति कर वेल्थ टैक्स, संपदा शुल्क दैट इज स्टेट ड्यूटी आदि. ये सब प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं. इन प्रत्यक्ष करों के कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं. तो सबसे पहले हम इन करों के मेरिट्स को देखेंगे. ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग का. अगर कोर्स में आता है तो ये सब टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़रूर पूछते हैं. व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, what are its merits and demerits. So please be careful while studying these questions, because questions generally and every year comes from these parts. So the merits of direct taxes are, first of all, it is progressive tax. यह कर जो होती है वह प्रगतिशील होती है. प्रत्यक्ष कर समानता के सिद्धांत के अनुसार लगाए जाते हैं. यह कर प्रगतिशील होती है. इनका भार निर्धन व्यक्तियों पर कम तथा धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है. सेकंड पॉइंट इज यह कर इकोनॉमिक होती है, दैट इज मितव्ययी होती है. इन करों को एकत्र करने में अधिक धन, अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है. करदाता को स्वयं ही यह कर के पास जमा कराने पड़ते हैं. इसमें सर्टेंटी होती है, निश्चितता होती है. ये कर निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं. करदाता को यह पता होता है कि उनको कितना बार कर देना है और कहाँ और कैसे देना है. सरकार को भी इन करों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में काफ़ी हद तक निश्चितता होती है. इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो काफ़ी सर्टेन होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज ये इलास्टिक होते हैं, ये लोचदार होते हैं. ये कर लोचदार इसलिए होते हैं क्योंकि इन करों की दर बढ़ाकर या कम करके अपनी आय को अधिक या कम किया जा सकता है, इसलिए इसे लोचदार कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज यह कर काफ़ी सरल और सिंपल होती है. यह सरल इसलिए होती है क्योंकि इनको समझना और इनका ब्यौरा बनाना कोई कठिन कार्य नहीं होता है, इसीलिए सरल होती है. नेक्स्ट इज यह सुविधाजनक होती है, कन्वीनियंस होते हैं इसमें. यह कर सुविधा के सिद्धांत पर आधारित है. इन करों का भुगतान अधिकतर उस समय करना पड़ता है जब लोगों के पास भुगतान करने की सुविधा होती है. जैसे मासिक वेतन प्राप्त करने वालों से आय कर उस समय लिया जाता है जब उन्हें आय का भुगतान किया जाता है. तो इस तरह से ये काफ़ी कन्वीनियंस होता है इसको पे करने के लिए. सो ये प्रत्यक्ष कर के कुछ गुण थे. अब हम इनके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे. सो प्रत्यक्ष करों के जो दोष होते हैं, सबसे पहले करों से बचाव करते हैं लोग, जिसे हम कहते हैं इवेजन ऑफ टैक्सेस. पीपल जनरली डोंट वॉन्ट टू पे टैक्सेस. सो इसे हम कहते हैं इवेजन, टैक्स को इवेड करना, करों से बचाव करना. इन करों से क्या होता है कि करदाता अपनी आय को कम बताकर
बचते हैं, इन करों से बचने के लिए वो कपटतापूर्ण तरीके अपनाने को मजबूर होते हैं। नेक्स्ट इज़ यह अन इकोनॉमिकल होती है, बचत का अभाव होता है इन करों को एकत्र करने में, कभी कभी इन करों को एकत्र करने में कभी कभी बहुत अधिक खर्च हो जाता है। यदि थोड़ा थोड़ा कर देने वाले बहुत अधिक संख्या में हों तो इन करों को एकत्रित करने का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे भारत में भूमि कर एक प्रत्यक्ष कर है, इस कर को लाखों किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित किया जाता है, इसलिए इनको एकत्रित करने पर जो काफ़ी खर्चा हो जाता है, इसीलिए हम इसको अन इकोनॉमिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकप्रियता का भाव है इसमें, ये अनपॉपुलर है, ये लोकप्रिय नहीं होते हैं क्योंकि इनका भार करदाता को प्रत्यक्ष रूप से उठाना पड़ता है। यह कर अधिक कष्टदायक प्रतीत होते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी मात्रा में भी चुकाना पड़ता है, इसीलिए ये लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो ये सब इनके दोष हैं। नेक्स्ट इज मनमानी होती है इसमें, आर्बिट्री होते हैं यहाँ, इन करों को लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। कर अधिकारी ने अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से इस तरह के कर को लगाते हैं और इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार की भी संभावना बढ़ जाती है। पूंजी के निर्माण में बाधा होती है, इस प्रकार के कर पूंजी निर्माण में बाधक हो सकते हैं। यदि इन करों की दर बहुत ऊँची हो तो इसका बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें देश में पूंजी निर्माण कम होती है। संक्षेप में ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष करों के उपरोक्त दोष प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होते हैं, इन्हें प्रयत्न करके दूर किया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए तथा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। अब हम आते हैं अपने अप्रत्यक्ष कर की ओर, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से भी जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाते हैं। फलस्वरूप कर का अंतिम या वास्तविक भार किसी और व्यक्ति को उठाना पड़ता है, जैसे GST व्यापारियों और दुकानदारों पर लगाया जाता है। उन्हें सरकार को इसका भुगतान करना होता है, परंतु वे इस कर को बेची गई वस्तुओं की कीमत में जोड़कर उन्हें क्रेताओं से वसूल करते हैं। इन करों को सरकार को एक व्यक्ति देता है तथा इसका भार दूसरे व्यक्ति को भी उठाना पड़ता है। तो ये अप्रत्यक्ष जो कर होता है, वो जैसा कि आप नाम से ही अगर समझ में आ रहा होगा, तो इनका नाम ही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आप खुद देख सकते हो आपको कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, आप खुद उसका भार वहन करते हो, जहाँ पे आपके नाम से आपको कितनी पेमेंट, कितने कर देने हैं, आप कितनी इनकम है, जहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष हो, पारदर्शिता हो, उस टाइप के टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत वैसे टैक्सेस जो टैक्स तो लगे हुए हैं बट आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं। अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई विल टेक, जब आप बाज़ार जाते हैं, हम आप जब भी जाते हैं, तो आप कभी दुकानदार से आप कभी टूथपेस्ट खरीदना, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदने को, बहुत खरीदते भी हैं सभी लोग, बट आप कभी टूथपेस्ट खरीदोगे तो आप उसमें देखोगे जो रेट लिखा होता है, बहुत बोल्ड और बोल्ड अंडरलाइंड ये लिखा रहता है, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। इंक्लूसिव मीन्स होता है टैक्स के साथ, तो आपको जो भी पेमेंट करना है, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी दुकानदार आपसे मांग रहा है, तो वो आप दोगे ही, ठीक है। दैट इज़ द रेट विच इज़ कमिंग विथ टैक्सेस, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ दुकानदार जिस प्रोडक्शन हाउस ने उसे मैन्युफैक्चर किया उसने भी वहन किया, जिस होलसेलर ने ख़रीदा उसने भी वहन किया,
फिर जिस रिटेलर ने उसे आपको बेचा उसने भी वहन किया, फिर आपने उस टैक्स को वहन किया। तो हर एक स्टेजेस पे जहाँ पे टैक्स लगा रहता है और वो अप्रत्यक्ष होता है, इसीलिए हम उसे अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं। तो जो हमारा अभी उदाहरण के लिए जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। सो इसके भी कुछ गुण और अवगुण हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स इसके हैं वही जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा, उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कि यह सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। ये कर सुविधाजनक होते हैं, बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा नहीं उठानी पड़ती। करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं। इस कारण करदाता को कर का भार अनुभव ही नहीं होता। सरकार के लिए भी यह कर सुविधाजनक होती है, इसीलिए इसे सुविधाजनक की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट इज टालना कठिन होता है, लेस इवेजन है यहाँ पे। इस प्रकार के करों से बचना प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि आपका लिखा हुआ है उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो जितना मांग रहा है आपको देना ही पड़ेगा, तो आप इससे बच नहीं सकते। तो ये कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल कर लिए जाते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसे वह तो देना ही देना है, तो इसे इसलिए टालना कठिन होता है। नेक्स्ट इज यह पॉपुलर है, लोकप्रिय है। यह कर जो है प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। लोगों को यह कर देते समय विशेष कठिनाई महसूस नहीं होती। इन करों का भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसी समय करना पड़ता है जब लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। नेक्स्ट इज विदेशी प्रतियोगिता से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इन करों की सहायता से देश के आंतरिक उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकता है। आयात निर्यात करों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब सरकार देश के किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना चाहती है तो उस वस्तु के आयात पर या आयात कर बहुत अधिक मात्रा में लगा देती है। इसके फलस्वरूप उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा देश में उत्पादित वस्तु विदेशी वस्तु की तुलना में कम कीमत पर बिकने लगती है, तो इससे घरेलू उत्पादन की मांग अधिक हो जाती है। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं, गुण हैं अप्रत्यक्ष कर के। नेक्स्ट इज दोष, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ये कर अनिश्चित होते हैं, इनके विषय में यह निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वास्तव में सरकार को कितनी आय प्राप्त होगी। इन करों से प्राप्त आय कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु की मांग, उनकी उत्पादन की मात्रा, वस्तु की कीमत आदि। यह कर जो है वह अन इकोनॉमिकल होती है, बचत का अभाव होता है इसमें। ये कर बजट के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इनको एकत्र करने में ही काफ़ी व्यय करना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज ई इवेजन ऑफ टैक्सेस, दैट इज करों से बचना। इन करों की भी चोरी की जा सकती है। कई बार दुकानदार वस्तु की बिक्री का कैश मेमो ग्राहक को नहीं देते, इस प्रकार वे बिक्री कर भी सरकार को नहीं देते, जबकि स्वयं वे इस कर को ग्राहक से वस्तु की कीमत के साथ ही प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इवेजन ऑफ टैक्सेस होता है, इसीलिए इसमें भी कुछ दोष सम्मिलित किए गए हैं। बचत को भी निरुत्साहित करती है, इट डिस्करेजेस सेविंग्स। इन करों के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए लोगों को अपनी आय का अधिक भाग वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत निरुत्साहित होता है। सो आज हम लोगों ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को समझा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसके गुण और अवगुण को देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे विद स्टूडेंट्स
पूंजीगत प्राप्तियां या करिकतर राजस्व प्राप्तियां, दैट इज नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स। हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज माय 30th वीडियो एंड इन माय लास्ट वीडियो आई हैव टॉट यू द टाइप्स ऑफ टैक्सेस एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो डायरेक्ट टैक्सेस इज अ काइंड ऑफ टैक्स व्हिच इज रियली पेड बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज्ड। प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। यह कर उस व्यक्ति को उठाना पड़ता है जिस पर यह कर लगाया जाता है। इस प्रणाली में करदाता या कर देता जो होते हैं वो कर का भार दोनों ही व्यक्ति पर होता है। जैसे आयकर व्यक्ति की आय पर लगाया जाता है तथा वह स्वयं ही इस कर का भार उठाता है, इस कर का भार दूसरे व्यक्तियों पर टाला नहीं जा सकता है। तो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स के जो एग्जाम्पल हैं वो हैं इनकम टैक्स दैट इज़ आयकर, उपहार कर दैट इज़ गिफ्ट टैक्स, निगम कर, कॉरपोरेशन टैक्स, संपत्ति कर वेल्थ टैक्स, संपदा शुल्क दैट इज स्टेट ड्यूटी आदि। ये सब प्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आते हैं। इन प्रत्यक्ष करों के कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। तो सबसे पहले हम इन करों के मेरिट्स को देखेंगे। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग का। अगर कोर्स में आता है तो ये सब टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़रूर पूछते हैं। व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस, what are its merits and demerits, so please be careful while studying these questions, because questions generally and every year comes from these parts. So the merits of direct taxes are, first of all, it is progressive tax. यह कर जो होती है वो प्रगतिशील होती है। प्रत्यक्ष कर समानता के सिद्धांत के अनुसार लगाए जाते हैं। यह कर प्रगतिशील होती है। इनका भार निर्धन व्यक्तियों पर कम तथा धनी व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। सेकंड पॉइंट इज यह कर इकोनॉमिक होती है, दैट इज मितव्ययी होती है। इन करों को एकत्र करने में अधिक धन, अधिक व्यय नहीं करना पड़ता है। करदाता को स्वयं ही यह कर के पास जमा कराने पड़ते हैं। इसमें सर्टेंटी होती है, निश्चितता होती है। ये कर निश्चितता के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। करदाता को यह पता होता है कि उनको कितना बार कर देना है और कहाँ और कैसे देना है। सरकार को भी इन करों से प्राप्त होने वाली आय के बारे में काफ़ी हद तक निश्चितता होती है। इसीलिए ये डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो काफ़ी सर्टेन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ये इलास्टिक होते हैं, ये लोचदार होते हैं। ये कर लोचदार इसलिए होते हैं क्योंकि इन करों की दर बढ़ाकर या कम करके अपनी आय को अधिक या कम किया जा सकता है, इसलिए इसे लोचदार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज यह कर काफ़ी सरल और सिंपल होती है। यह सरल इसलिए होती है क्योंकि इनको समझना और इनका ब्यौरा बनाना कोई कठिन कार्य नहीं होता है, इसीलिए सरल होती है। नेक्स्ट इज़ यह सुविधाजनक होती है, कन्वीनियंस होते हैं इसमें। यह कर सुविधा के सिद्धांत पर आधारित है। इन करों का भुगतान अधिकतर उस समय करना पड़ता है जब लोगों के पास भुगतान करने की सुविधा होती है। जैसे मासिक वेतन प्राप्त करने वालों से आयकर उस समय लिया जाता है जब उन्हें आय का भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से काफ़ी कन्वीनियंस होता है इसको पे करने के लिए। सो, ये प्रत्यक्ष कर के कुछ गुण थे। अब हम इनके दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। सो, प्रत्यक्ष करों के जो दोष होते हैं, सबसे पहले करों से
बचाव करते हैं लोग, जिसे हम कहते हैं इवेजन ऑफ टैक्सेस। पीपल जनरली डोंट वांट टू पे टैक्सेस, सो इसे हम कहते हैं इवेजन, टैक्स को इवेड करना, करों से बचाव करना। इन करों से क्या होता है कि करदाता अपनी आय को कम बताकर बचते हैं। इन करों से बचने के लिए वो कपटतापूर्ण तरीके अपनाने को मजबूर होते हैं। नेक्स्ट इज़ यह अन इकोनॉमिकल होती है, बचत का अभाव होता है इन करों को एकत्र करने में। कभी कभी इन करों को एकत्र करने में कभी कभी बहुत अधिक खर्च हो जाता है। यदि थोड़ा थोड़ा कर देने वाले बहुत अधिक संख्या में हों तो इन करों को एकत्रित करने का खर्च काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे भारत में भूमि कर एक प्रत्यक्ष कर है, इस कर को लाखों किसानों से थोड़ी थोड़ी मात्रा में एकत्रित किया जाता है, इसलिए इनको एकत्रित करने पर जो काफ़ी खर्चा हो जाता है, इसीलिए हम इसको अन इकोनॉमिकल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ लोकप्रियता का भाव है इसमें, ये अनपॉपुलर है, ये लोकप्रिय नहीं होते हैं क्योंकि इनका भार करदाता को प्रत्यक्ष रूप से उठाना पड़ता है। यह कर अधिक कष्टदायक प्रतीत होते हैं क्योंकि इन्हें काफ़ी मात्रा में भी चुकाना पड़ता है, इसीलिए ये लोकप्रिय नहीं होते हैं। तो ये सब इनके दोष हैं। नेक्स्ट इज़ मनमानी होती है इसमें, आर्बिट्री होते हैं यहाँ, इन करों को लगाने का कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है। कर अधिकारी ने अपनी इच्छा अनुसार मनमाने ढंग से इस तरह के कर को लगाते हैं और इसके फलस्वरूप भ्रष्टाचार की भी संभावना बढ़ जाती है। पूंजी के निर्माण में बाधा होती है, इस प्रकार के कर पूंजी निर्माण में बाधक हो सकते हैं। यदि इन करों की दर बहुत ऊँची हो तो इसका बचत पर बुरा प्रभाव पड़ता है, इसमें देश में पूंजी निर्माण कम होती है। संक्षेप में ये कहा जाता है कि प्रत्यक्ष करों के उपरोक्त दोष प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण उत्पन्न होते हैं, इन्हें प्रयत्न करके दूर किया जा सकता है। देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए तथा सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। अब हम आते हैं अपने अप्रत्यक्ष कर की ओर, जिसे हम इनडायरेक्ट टैक्सेस के नाम से भी जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर वे कर हैं जिनका इम्पैक्ट एक व्यक्ति पर पड़ता है, परंतु उस भार को वह दूसरों पर टालने में सफल हो जाते हैं। फलस्वरूप कर का अंतिम या वास्तविक भार किसी और व्यक्ति को उठाना पड़ता है, जैसे GST व्यापारियों और दुकानदारों पर लगाया जाता है। उन्हें सरकार को इसका भुगतान करना होता है, परंतु वे इस कर को बेची गई वस्तुओं की कीमत में जोड़कर उन्हें क्रेताओं से वसूल करते हैं। इन करों को सरकार को एक व्यक्ति देता है तथा इसका भार दूसरे व्यक्ति को भी उठाना पड़ता है। तो ये अप्रत्यक्ष जो कर होता है, वो जैसा कि आप नाम से ही अगर समझ में आ रहा होगा, तो इनका नाम ही है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। जो आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आप खुद देख सकते हो आपको कितना पेमेंट करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, आप खुद उसका भार वहन करते हो, जहाँ पे आपके नाम से आप को कितनी पेमेंट, कितने कर देने, आप कितनी इनकम है, जहाँ सब कुछ प्रत्यक्ष हो, पारदर्शिता हो, उस टाइप के टैक्स को हम प्रत्यक्ष कर कहते हैं। ठीक इसके विपरीत वैसे टैक्सेस जो टैक्स तो लगे हुए हैं बट आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखते हैं। अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई विल टेक, जब आप बाज़ार जाते हैं, हम आप जब भी जाते हैं, तो आप कभी दुकानदार से आप कभी टूथपेस्ट खरीदना, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं खरीदने को, बहुत खरीदते भी हैं सभी लोग, बट आप कभी टूथपेस्ट खरीदोगे तो आप उसमें देखोगे जो रेट लिखा होता है, बहुत बोल्ड और बोल्ड अंडरलाइंड ये लिखा रहता है, दैट इज़ इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, ये वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। इंक्लूसिव मीन्स होता है टैक्स के साथ, तो आपको जो भी पेमेंट करना है, 100 रुपये, 200 रुपये, जो भी दुकानदार आपसे मांग रहा है, तो वो आप दोगे ही, ठीक है,
दैट इज़ द रेट विच इज़ कमिंग विथ टैक्सेस। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ, दुकानदार जिस प्रोडक्शन हाउस ने उसे मैन्युफैक्चर किया उसने भी वहन किया, जिस होलसेलर ने ख़रीदा उसने भी वहन किया, फिर जिस रिटेलर ने उसे आपको बेचा उसने भी वहन किया, फिर आपने उस टैक्स को वहन किया। तो हर एक स्टेजेस पे जहाँ पे टैक्स लगा रहता है और वो अप्रत्यक्ष होता है, इसीलिए हम उसे अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में रखते हैं। तो जो हमारा अभी उदाहरण के लिए जीएसटी है, सेल्स टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है, इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये सारे टाइप ऑफ टैक्सेस जो हैं वो अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। सो इसके भी कुछ गुण और अवगुण हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसके मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स इसके हैं वही जो हम लोगों ने उसमें पढ़ा, उसी तरह से हम इसको भी डिफाइन करेंगे। सबसे पहला कि यह सुविधाजनक है, कन्वीनियंट है। ये कर सुविधाजनक होते हैं, बिक्री कर देते समय करदाता को कोई असुविधा नहीं उठानी पड़ती, करों का भुगतान उस समय ही किया जाता है जब वस्तुएं खरीदी जाती हैं, इस कारण करदाता को कर का भार अनुभव ही नहीं होता। सरकार के लिए भी यह कर सुविधाजनक होती है, इसीलिए इसे सुविधाजनक की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट इज टालना कठिन होता है, लेस इवेजन है यहाँ पे। इस प्रकार के करों से बचना प्रत्यक्ष करों की अपेक्षा कठिन है, क्योंकि आपका लिखा हुआ है उसमें इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस, वो जितना मांग रहा है आपको देना ही पड़ेगा, तो आप इससे बच नहीं सकते। तो ये कर अधिकतर वस्तुओं की कीमतों में ही शामिल कर लिए जाते हैं, इसलिए जब भी कोई व्यक्ति वस्तु खरीदता है तो उसे वह तो देना ही देना है, तो इसीलिए टालना कठिन होता है। नेक्स्ट इज यह पॉपुलर है, लोकप्रिय है। यह कर जो है प्रत्यक्ष कर की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है, लोगों को यह कर देते समय विशेष कठिनाई महसूस नहीं होती। इन करों का भुगतान थोड़ी थोड़ी मात्रा में उसी समय करना पड़ता है जब लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं। नेक्स्ट इज विदेशी प्रतियोगिता से बचाव, प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। इन करों की सहायता से देश के आंतरिक उद्योगों को विदेशी प्रतियोगिता से बचाया जा सकता है। आयात निर्यात करों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता है। जब सरकार देश के किसी उद्योग को विदेशी प्रतियोगिता से बचाना चाहती है तो उस वस्तु के आयात पर या आयात कर बहुत अधिक मात्रा में लगा देती है। इसके फलस्वरूप उस वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तथा देश में उत्पादित वस्तु विदेशी वस्तु की तुलना में कम कीमत पर बिकने लगती है, तो इससे घरेलू उत्पादन की मांग अधिक हो जाती है। तो ये हमारे कुछ मेरिट्स हैं, गुण हैं अप्रत्यक्ष कर के। नेक्स्ट इज दोष, डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अनसर्टेन है, अनिश्चित है। ये कर अनिश्चित होते हैं, इनके विषय में यह निश्चित अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वास्तव में सरकार को कितनी आय प्राप्त होगी। इन करों से प्राप्त आय कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे वस्तु की मांग, उनकी उत्पादन की मात्रा, वस्तु की कीमत आदि। यह कर जो है वह अनइकोनॉमिकल होती है, बचत का अभाव होता है इसमें। ये कर बजट के सिद्धांत पर आधारित नहीं है, इनको एकत्र करने में ही काफ़ी व्यय करना पड़ जाता है। नेक्स्ट इज ई इवेजन ऑफ टैक्सेस, दैट इज करों से बचना। इन करों की भी चोरी की जा सकती है, कई बार दुकानदार वस्तु की बिक्री का कैश मेमो ग्राहक को नहीं देते, इस प्रकार वे बिक्री कर भी सरकार को नहीं देते, जबकि स्वयं वे इस कर को ग्राहक से वस्तु की कीमत के साथ ही प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी इवेजन ऑफ टैक्सेस होता है, इसीलिए इसमें भी कुछ दोष सम्मिलित किए गए हैं। बचत को भी निरुत्साहित करती है, इट डिस्करेजेस सेविंग्स। इन करों के कारण वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, इसलिए लोगों को अपनी आय का अधिक भाग वस्तुओं को खरीदने पर व्यय करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बचत निरुत्साहित होता है।
सो आज हम लोगों ने अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को समझा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, उसके गुण और अवगुण को देखा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स पूंजीगत प्राप्तियाँ या करेक्टर राजस्व प्राप्तियाँ, दैट इज़ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स, जो नॉन टैक्स रिसिप्ट्स कहलाती हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।